हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे ड्रग रेजिमेन क्या होता है, और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जो मेरे नोट्स हैं इससे ये टॉपिक निकाला है मैंने, काफ़ी समय से पूछा भी जा रहा था कि ड्रग्स के बारे में बताएं, फार्माकोलॉजी जो है उसके बारे में कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो ड्रग्स वाले वीडियोस हैं, ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो इसमें जो लास्ट में हम देखेंगे कि क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो हमें देना है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि किस मेडिसिन को किसके कॉम्बिनेशन में नहीं देना है। इससे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं, नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए आपको जो एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन है, मेडिसिन का क्लासिफिकेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। आगे के वीडियोज़ में हम और भी मेडिसिन का क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ मेडिसिन जो हम यूज़ करेंगे रेजिमेन में, वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे उसको देख के समझ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ए बी सी और डी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनमें ए बी सी डी जो होते हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। ए से होगा ACE inhibitor, A for ACE inhibitor। जो B है वो beta blockers, ये आपको याद रखना है। C से होगा calcium channel blocker, calcium channel blocker। और जो D है, D से होगा diuretics। तो ये आपको याद रखना है ए बी सी डी। इसी से हम मैनेजमेंट समझेंगे कि क्या मैनेजमेंट होगा यंगर पेशेंट में और क्या मैनेजमेंट होगा ओल्डर पेशेंट में। तो ए से एसी इनहिबिटर, बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डी फॉर डायूरेटिक्स। तो चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यंगर पेशेंट में कैसे देना है और ओल्डर पेशेंट में कैसे देना है। तो अभी हम समझ रहे हैं ड्रग मैनेजमेंट। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, यंगर पेशेंट और ओल्डर पेशेंट। मेनली जो यंगर पेशेंट है उनका रेजिमेन ही हमको समझना है, और ओल्डर पेशेंट में बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो होगा यंगर पेशेंट में, हम देंगे ए और बी। या तो हम ए देंगे या फिर हम बी देंगे, मतलब कि या तो एसी इनहिबिटर हम देंगे या फिर बीटा ब्लॉकर्स देंगे। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, ए और बी से अगर कंट्रोल नहीं होता है, तो हम ए को रिप्लेस करेंगे सी से, या फिर जो बी है बी को रिप्लेस करेंगे डी से। मतलब स्टार्टिंग में हमने या एसी इनहिबिटर दिया या फिर बीटा ब्लॉकर दिया, अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे सी से, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ए की जगह, और जो बी है इसकी जगह हम देंगे डायूरेटिक, उनको हम बंद कर देंगे और ये मेडिसिन हम चेंज करेंगे। अब अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम दो ड्रग्स देंगे, कॉम्बिनेशन में हम ड्रग्स देंगे। और कॉम्बिनेशन में हम कैसे देंगे, तो इसमें ए कॉमन है, आपको याद रखना है, ए प्लस सी हम देंगे या फिर ए प्लस डी हम देंगे। यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे थे, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा था तो हम
इसको रिप्लेस कर रहे थे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो ए को सी से और बी को डी से रिप्लेस कर रहे थे, और यहाँ पर अगर कंट्रोल नहीं होता है इससे भी तो हम कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देंगे और वो हैं ए प्लस सी, मतलब ए सी इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम साथ में देंगे, या फिर ए प्लस डी ए सी इनहिबिटर और डायबिटिक्स हम देंगे। अब आगे समझते हैं, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, तो फिर हम चेंज करेंगे ए प्लस बी या फिर सी प्लस डी, ये हम देंगे, मतलब ए सी इनहिबिटर प्लस बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्लस डायुरेटिक्स, ये हम देंगे। अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर हम ट्रिपल ड्रग रेजिमेन देंगे, मतलब तीन ड्रग्स अब हम इसमें देंगे। तो तीन ड्रग्स में हम क्या देंगे, ए प्लस सी प्लस डी, मतलब कि ए सी इनहिबिटर प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस डी डायोरेटिक्स, ये तीन हम देंगे एक साथ, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल ड्रग रेजिमेन, ट्रिपल ड्रग रेजिमेन इसको बोला जाता है। बी इसमें हम नहीं देंगे, जो बीटा ब्लॉकर है इसमें हम नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं ओल्डर पेशेंट की, अगर ओल्डर पेशेंट कोई है तो इनमें सिंपल है, या तो हम सी देंगे या तो हम डी देंगे, मतलब कि या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर डायूरेटिक्स हम ओल्डर पेशेंट्स में देते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट में ड्रग मैनेजमेंट है हाइपरटेंसिव पेशेंट का, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो यंगर पेशेंट है उनमें सबसे पहले हम ए देंगे या फिर बी देंगे, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं देना है, या तो ए देंगे या फिर बी देंगे। कंट्रोल नहीं होता है तो ए को हम रिप्लेस करेंगे सी से, बी को हम रिप्लेस करेंगे डी से। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है फिर हम दो ड्रग्स देंगे, ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन हम देंगे या फिर ए प्लस डी का कॉम्बिनेशन हम देंगे। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन देंगे और सी प्लस डी का कॉम्बिनेशन देंगे, और जो ए बी सी डी है वो आपको पता ही है अब। और इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो ट्रिपल ड्रग रेजिमेंट का हम यूज़ करेंगे, ए प्लस सी प्लस डी हम कॉम्बिनेशन में देंगे, और जो ओल्डर पेशेंट है उनमें या तो हम सी देंगे या तो हम डी देंगे। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात कही थी कॉन्ट्राइंडिकेशन की, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इनको हम साथ में नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये कार्डियक डिप्रेशन करता है। अगर बी और सी आप कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये कार्डियक डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ नहीं करना है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश आपको मैंने की, और काफ़ी इजी है और समझने में इंटरेस्टिंग भी है। ए बी सी डी बहुत इजी से आप याद कर सकते हैं। आगे और भी मेडिसिन की बात करेंगे और भी ड्रग्स की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि और ऐसे किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आपको, और इजी डेंटिस्ट्री को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए फॉलो करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।